The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, Sri kal, dosto, Doctor Paramjeet. Aap dekh rahe hain Doctor Education. Dosto, coronavirus kafi zara phail raha hai already. आज कोरोना है कल कोई और वायरस कल कोई और बैक्टीरिया कल कोई और कीटाणु होगा जो आपकी इम्यून सिस्टम आपके आपके बॉडी को चैलेंज करने आएगा तो अल्टीमेटली आज हमें यह समझ आया है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है और इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारे घर के अंदर ही बहुत जरूरी है हमारे खाने पीने में बहुत जरूरी है इसके लिए सारी दुनिया आज टर्मरिक हल्दी इस्तेमाल कर रही है हल्दी के सारे गुण हमने ऑलरेडी आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं जो बहुत वाइडली यूज स्पाइसेस है पूरी दुनिया में अच्छे तरह से यूज होता है आपने पता होगा और इसके बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन जब कोई ऐसा रिस्क आता है आपके शरीर पे तो सिर्फ हल्दी प्रिवेंशन के साथ ट्रीटमेंट भी कर सकती है यस कई सारी इंफ्लामेटरी कंडीशंस का ट्रीटमेंट हल्दी कर सकती है और हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं कर्क्यूमिन तो कर्क्यूमिन उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है और उस कर्क्यूमिन को आज हम समझेंगे क्योंकि अगर हम कर्क्यूमिन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम लिटरली बहुत सारी बीमारियों को रोक भी सकते हैं एंटी इंफ्लामेटरी भी है एंटी भी है कैंसर हार्ट डिजीज डायबिटीज आर्थराइटिस बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन निमोनिया इन सब चीजों में बहुत हेल्प होती है राइट right? बहुत ज्यादा फायदेमंद है किसी का भाई अकेला क्योर नहीं होगा लेकिन बहुत फायदा होगा कई बार पेन कम हो जाता है दिक्कतें कम हो जाती हैं दैट इज वेरी गुड जस्ट जस्ट लाइक हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं और कुर्क्यूमिन जो है उसके अंदर जैसा मैंने कहा देर आर टू थ्री मोर प्रोडक्ट्स इसमें होता होता है, देम, देम होता है एंड के के मतलब पूरी हल्दी में सिर्फ दो परसेंट कुर्क्यूमिन बाकी सारी हल्दी है या इधर उधर की कोई चीज है और यह कुर्क्यूमिन है जिसमें बहुत खतरनाक एंटी इंफ्लामेटरी एंटी ट्यूमर एंटी इफेक्ट है तो हल्दी जब इस्तेमाल होती है बीमारियों को ठीक करने में चाहे वो स्किन की हो डाइजेस्टिव सिस्टम की हो या कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन हो तो कुरकुमिन के बारे में सोचिए कि कुरकुमिन कितना अच्छा होगा और ये एक्चुअली सच है चाहे आपको आप रिसर्च निकाल के देख लो रिसर्चेज में हल्दी और कुरकुमिन के काफी बेनिफिट पा देखे जा रहे हैं हो गया उसमें कुर्कुमिन का स्पेशल आप अगर सप्लीमेंट लेंगे तो वो आ, इन्फ्लामेशन कम करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन के क्योंकि तो सूजन कम कर देगा पीठ में दर्द है वहां सूजन कम करता है पैरों में दर्द है सूजन कम कर देगा बीमारी खत्म नहीं होगी सूजन कम होगी इन्फ्लामेशन कम होगा जो हम आ, मैं जो हम पेन किलर लेके करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जिसके गैस्ट्राइटिस साइड इफेक्ट लेके करते हैं वो हम हल्दी से कर सकते हैं कुरकुविन से कर सकते हैं सो गुड ऑल्टरनेटिव बिल्कुल अच्छी बात मोटापे में हेल्प होती है क्योंकि मोटापा अपने आप में इंफ्लामेशन बढ़ाता है सो so, मोटापे में हेल्थ होती है हार्ट डिजीज में हेल्थ होती है बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है ट्राइग्लिसराइड्स uh, कम होते हैं हार्ट डिजीज के रिस्क कम होते हैं डायबिटीज में आपके इंफ्लामेशन कम होता है तो बॉडी फैट ज्यादा अच्छे से मेंटेन होता है डायबिटीज के अलावा लिवर डिजीज हो गया लिवर के अंदर इंफ्लामेशन कम करती है एक्चुअली लिवर डिजीज में कुरकुमिन का हल्दी का बहुत अच्छा रोल है इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक लिवर डिजीज इट रिड्यूसेज हार्मफुल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑल्सो एंटी फंगल भी है भाई साहब ये आप फंगल मेम्ब्रेन स्टोर सकते हैं हल्दी टर्मरिक कुरकुमिन से और भाई साहब आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा और कैंसर कैंसर भी प्रिवेंट हो सकता है आ, उसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी मरते हैं हल्दी से तो बहुत अच्छा फायदा है हल्दी कुर्क्यूमिन का याद रखिए <coughs> कुछ ऐसा भी नहीं है कि हल्दी के सारे के सारे बेनिफिट कुर्क्यूमिन से है हल्दी में और भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरे बेनिफिट्स भी दे सकते हैं जैसे कि ब्रेन के लिए पार्किसन डिजीज के लिए हल्दी के अंदर दूसरे और प्रोडक्ट्स और और इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं राइट सो देरफोर कुर्क्यूमिन अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुर्क्यूमिन उसमें सबसे पावरफुल है सबसे शक्तिशाली है एंटी इंफ्लामेटरी एंपी एंटी इन्फेक्शन के लिए तो सबसे शक्तिशाली जो है वो आपका कुर्कुमिन है तो कुर्कुमिन के लिए कुर्क्यूमिन इज डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल इन मेनी कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन वू हीलिंग हो गया कोई इंफेक्शन हो गया उसमें और इंफ्लामेटरी मार्कर्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन सिक्स ये जो टाइप टू डायबिटीज या कोरोना वायरस के चलते जिसको बहुत ज्यादा माना जाता है कि इस, इस ये चीज बढ़ती जाएगी तो पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है उसको भी कुरकुमिन कम करता है सो so, ये रिसर्च प्रूफ है सो so, दोस्तों कुर्क्यूमिन के इतने सारे फायदे है लेकिन जब हम कुर्क्यूमिन को अलग से लेते हैं हल्दी से अलग तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कुरकुमिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं है इट इज़ प्योअरली एब्जॉर्ब और वो कई बार अनडाइजेस्टेड भी पास हो सकता है इसीलिए दो तरीके हैं या तो उसको हल्दी से लें या हल्दी के टर्मरिक एक्सट्रैक्ट के साथ में लें या फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि वो ब्लैक पेपर अगर आप पेपरिन नाम का उसके साथ में डाल देते हैं जो ब्लैक पेपर उसके साथ खाते हैं तो कुरकुमिन की बायो एब्जॉर्बिलिटी जो है 2000 गुना बढ़ जाती है तो ये बहुत जोरदार नुस्खा हो गया लेकिन इसी प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है ज्यादातर मार्केट में प्रोडक्ट जो कुरकुमिन के मिलते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखते जितने होने चाहिए वरना वो बहुत इफेक्टिव है तो टेक्निकली नो no प्रॉब्लम अगर आप हल्दी खाना चाहे आप हल्दी ले सकते हैं लेकिन अगर आपको हाई पावर उसका इफेक्ट चाहिए किसी ट्रीटमेंट परपज के लिए तो रिसर्च ये बोलती है कि कुरकुमिन को आप ले सकते हैं वन टू सिक्स ग्राम हल्दी भी हल्दी भी आप ले सकते हो या कुर्कुमिन सप्लीमेंट ले सकते हो वन टू सिक्स ग्राम हल्दी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी कुर्कुमिन आप वन ग्राम टू ग्राम तक ले लीजिए हल्दी आप छे ग्राम तक ले लीजिए पर डे तो कि वो बेनिफिशियल हो एट हाई इससे ज्यादा ऊपर भी जाओगे तो कोई मेजर नुकसान नहीं है पेट में किसी की गड़बड़ हो सकती है बस ये एक मेन चीज है तो हल्दी जो कि अपना खुद का इंडिया का गोल्डन गोल्डन स्पाइस है बहुत जोरदार ट्रीटमेंट करता है उसी का ये प्रोडक्ट है कुर्कुमिन और इसी के चलते हम खुद कुरकुमिन इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं मसल नेक्टर का कुर्कुमिन अब मसल नेक्टर का कुर्कुमिन में स्पेशल क्या है मसल नेक्टर के इस कुर्कुमिन में स्पेशल ये है कि ये भाई साहब बी सी एम नाइन वर्जन है कुर्कुमिन का और ये बी सी एम नाइनटी फाइव जो है अंडर रिसर्च ये देखा गया है कि ये जो नॉर्मल कुर्कुमिन की बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्टिव पावर है ये इससे सेवन टाइम्स मोर है प्लस इसके अंदर प्योरीफाइड टर्मरिक एक्स्ट्रैक्ट्स भी हैं जो इसकी एब्जॉर्बन को और बढ़ा देते हैं तो टेक्निकली इसलिए ये सुपीरियर प्रोडक्ट माना जाता है इसीलिए ये भाई साहब हम लेते हैं एक डब्बा हमने लिया एक माताजी को दिया है बढ़िया है इसमें 60 कैप्सूल्स हैं इसमें जो डोज है ये 500 मिलीग्राम्स है और पर कैप्सूल 500 मिलीग्राम्स की कैप्सूल है और इसीलिए देख वन टू सिक्स ग्राम्स है तो इसको हम एक सुबह एक शाम ले सकते हैं आप भी ले सकते हैं अगर आपको मान लीजिए कोई भी कोरोना वायरस जैसा या कुछ भी इंफेक्शन है दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल ये एंड इंफ्लामेशन कम करेगा आपके लंग्स में प्रॉब्लम कम करेगा और बहुत सारी बीमारियों में भी काम करेगा बिल्कुल हल्दी के जैसा बल्कि हल्दी से वट एवर दस गुना बीस गुना सौ गुना ज्यादा स्ट्रांग फायदेमंद पाया जाएगा तो ये चीज है कुर्कुमिन टेक्निकली आप लो ले तो किसी भी कंपनी का सकते हो लेकिन बहरहाल ध्यान रखिए बीसीएम सी नाइनटी फाइव लिखा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपके पैसे की ज्यादा वैल्यू बनेगी नहीं तो आपको उसके साथ में आ, जो हमने बताया था ब्लैक पेपर लेना पड़ेगा जो कि उसका एब्जॉर्बन बढ़ा रहेगा सो तो कुरकुमिन हल्दी आप अगर डेंजर जोन में हैं आप अगर इंफेक्टेड हैं तो अपने डाइट में अगर कुर्कुमिन नहीं मिल मंगा लीजिए मिल जाएगा ऑनलाइन बड़े आसानी से लिंक नीचे दे देंगे आ, नहीं मिल रहा है तो कम से कम हल्दी ऐड करिए ये आपका हमारे तरफ से हमारे तरफ से आपको सुझाव होगा जरूर खाइए जरूर ट्राई करिए लोगों को दीजिए इट्स अ वेरी गुड थिंग डू शेयर दिस वीडियो बिल्कुल अच्छे से आई एम डॉक्टर परमजीत कोई सवाल है नीचे लिखिए स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी